बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। चुनाव से पहले एनडीए में दो पार्टियों की एंट्री हुई है, जीतनराम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी। लेकिन 6 साल से एनडीए का हिस्सा बनी एलजेपी उससे अलग हो गई। एलजेपी बिहार में नीतीश कुमार वाले एनडीए से जरूर अलग हुई, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार वाले एनडीए में वो शामिल है और बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू के खिलाफ चुन चुनकर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। जिसे जेडीयू परेशान है वो इसे बीजेपी की चाल मान रहा है। एलजेपी ने जेडीयू के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव को लेकर एलजेपी की चालें किसी की समझ में नहीं आ रही हैं। चिराग बीजेपी के मोहरे हैं या राजनीति के बड़े खिलाड़ी? चुनाव में चिराग किसे हराने की कोशिश करेंगे, महागठबंधन को या नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए को? क्योंकि एनडीए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और चिराग नीतीश को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी और चिराग के बीच पक रही खिचड़ी से नीतीश की नींद उड़ रही है, इसलिए उन्होंने मंच से ही बीजेपी नेताओं से ये कहलवा लिया कि चुनाव में सीटें किसी को कितनी भी मिले, यदि सरकार एनडीए की बनी तो सीएम नीतीश ही बनेंगे। इसके पीछे जेडीयू का डर दिखाई दे रहा है। दरअसल बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे में जो सीटें जेडीयू के खाते में गई हैं, उन सीटों पर बीजेपी के कद्दावर नेता तेजी से एलजेपी की ओर जा रहे हैं। चिराग पासवान भी बीजेपी नेताओं के प्रति उदारता दिखा रहे हैं और उन्हें पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका दे रहे हैं, जिससे वो चुनाव जीतकर विधायक बन सके। एनडीए के तहत जेडीयू के कोटे में दिनारा सीट जाने के बाद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने एलजेपी का दामन थाम लिया। राजेंद्र सिंह का एलजेपी में जाना इसलिए लोगों को खटक रहा है कि वो संघ के प्रचारक रहे हैं। संघ प्रचारक का इस तरह से दल बदलना और बीजेपी का उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई न करना संकेत दे रहा है कि बीजेपी और एलजेपी के बीच कुछ पक रहा है। पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने भी एलजेपी से सिंबल ले लिया है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन करके रामेश्वर चौरसिया को एलजेपी में जाने से रोका और दिल्ली बुला लिया है। चौरसिया समझ नहीं पा रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाए या नहीं। झाझा जेडीयू के कोटे में गई है। 2015 से यहां बीजेपी के रविंद्र यादव चुनाव जीते थे। जाहिर सी बात है उन्हें बीजेपी तो टिकट देगी नहीं, इसलिए वो भी एलजेपी में चले गए हैं। एलजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। ऐसे में झाझा में देखना होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता किसका प्रचार करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल पालीगंज सीट का है। यहां से 2010 में बीजेपी की उषा विद्यार्थी विधायक थी। 2015 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, लेकिन विद्यार्थी ने उस समय पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन अब जब ये सीट बीजेपी ने जेडीयू को दे दी है तो उषा ने एलजेपी का दामन थाम लिया है। जाहिर है एलजेपी से उन्हें टिकट का आश्वासन मिला होगा। चिराग पासवान बीजेपी नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं और उन्हें टिकट भी दे रहे हैं। बीजेपी अपना घर उजड़ते देख भी खामोश है। नीतीश कुमार के साथ बैठकर बीजेपी नेताओं ने चिराग को लेकर दो टूक बात तो जरूर की है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि वो एनडीए में है या नहीं है। रामविलास पासवान को लेकर एनडीए क्या करेगा? आखिर डंके की चोट पर चिराग किसकी शह पर भिड़ रहे हैं? चिराग हर दिन जो खेल खेल रहे हैं उसका मकसद सिर्फ एक है कि नीतीश के तीर की धार कैसे कमजोर की जाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।